हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट सेवन में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 7.3 में डील कर रहे थे, क्लास टू का सीजन वो का चल रहा है। ओके, आज 7.3 में लोग सॉल्व करेंगे। और 7.3 सॉल्व करने के पहले एक फॉर्मूला का वीडियो हमने बना के अपने चैनल पे डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपका 7.3 जो है वो आपका स्मूथली रन होगा, एकदम एकदम झकास पानी की तरह बहेगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि वहीं पे आपका मेन फॉर्मूला वहीं पे है कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हो सकता है वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको स्टूडेंट्स पता है कि हम लोग जनरली साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है -cos x, ये होता है। स्क्वायर का टर्म अगर आए तो फिर हम लोग वहाँ पे दिक्कत होती थी, क्या कहते हैं, टी मानते थे, फिर इसको हटाते थे किस तरह से करके, किस तरह से इसको हटाना है, हमको साइंस को हटाना है, ठीक है ना। इसको हटा के हम कुछ और लिखना होगा यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। अगर यहाँ से साइंस स्क्वायर की जगह पे अगर हम ये लिखेंगे 1 - cos² x, तो भी मेरा काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा टर्म जो आ रहा है उसमें फिर से स्क्वायर लग जा रहा है। मेरा मेन काम है स्क्वायर हटाना और फिर से देखो स्क्वायर आ जा रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला मेरा काम नहीं करेगा। फिर फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह फिर हम लिख सकते हैं 1 - cos² x / 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है जाके वीडियो देखिए, इसके पहले वाला वीडियो फॉर्मूला वीडियो, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। और जनरली हम याद करवा दिए हैं, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ भी देख ही लो, ये क्या हो जाएगा 1 + cos² x / 2। कॉस कॉस सेम जाति का है ना भाई, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, और ये साइन कॉस अलग जाति का है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। ध्यान से देखो, एक ही चीज़ है, अगर साइन होता है तो यहाँ माइनस लगेगा, अगर कॉस होता है यहाँ पे प्लस लगेगा। इधर चीज़ दोनों सेम सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर प्लस है तो कॉस वाला ही पार्टी यहाँ पे आएगा, माइनस तो यहाँ पे साइन वाला पार्टी आएगा, ठीक है ना। ये बस एक जर्नी है, याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 - cos² x। अब x यहाँ पे जो x था वो x यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे x क्या है हमारा 2x + 5 पूरा है ना, तो 2 तो बाहर में आएगा, और ये एंगल जो है 2x + 5 हमारा ये यहाँ पर आ गया, ओके बाय 2। ओके, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला अभी तक बना है। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो क्या होगा, अलग अलग कर सकते हैं आप लोग, 1/2 dx अलग कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर 1/2, ये 2 इसके लिए भी आएगा ना, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 × cos। अच्छा, इसको एक अंदर कर दो, क्योंकि एंगल एंगल गुना हो सकता है ना, आप एंगल के काम कर सकते हैं, एंगल 4x + 5 × 10, ये आपका हो गया और ये dx हो गया। अब देखो, ये क्वेश्चन था हमारा स्क्वायर के टर्म में, यहाँ पे देखो कहीं पे भी स्क्वायर नहीं, आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका dx माइनस ये 1/2 यहाँ भी बाहर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos 4x + 10 dx। हालांकि यहाँ पे 1/2 साथ बाहर कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा, ये आगे करेंगे यहाँ पर, तो 1/2 dx का होता है x, यानी x/2 माइनस। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बहुत सॉल्व किए हैं, इसके पहले एक्सरसाइज में आप लोग बहुत इस तरह सॉल्व किए हैं, टी मानते थे ना। यहाँ देखिए एक तरीका बता रहे हैं हम, इसका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 1/2। अच्छा, कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बाबू साइन एक्स प्लस सी, ये होता है, ये पता है हमको। तो यहाँ भी कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स तो साइन एक्स होता है, यहाँ कॉस एक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स यहाँ पे क्या मानेंगे हम, 4x + 10, ये हो गया इंटू, अब इसका भी यहाँ अलग से होगा, इसका अलग से निकलेगा 1/4। हाँ सर, ये कैसे निकलेगा बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, 2 मिनट दम चाहते तुरंत बता रहे हैं अभी कैसे निकलेगा सो, पर यहाँ कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा पूरा x/2 माइनस, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, दोनों गुना हो सकता है, हो जाएगा 1/8 साइन 4x + 10, ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सर यहाँ से हम यहाँ कैसे डायरेक्ट किए हैं,
यहाँ से हम सर डायरेक्ट यहाँ पे कैसे के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, क्योंकि हम ये बार बार ये अगर हम टीम आकर बनाएंगे तो वो लंबा चल जाएगा। हम कुछ बेसिक्स यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए अलग से यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है, मान लो 1/2 cos 4x + 10। ये 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा, 1/2 बाहर आएगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, cos 4x + 10 का कितना होता है। आप जानिएगा कि हमको नहीं पता है तो हम कर सकते हैं पुट 4x + 10 = यहाँ पर टी। टी पुट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हुए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 4dx, या फिर 4dx = dt। फिर से करेंगे यहाँ पर तो dx = क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो dt/4। यानी dx के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं dt/4 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, कॉस का कॉस लिखे हैं, इसको टी माने में तो यहाँ पर टी लिख दिए हैं, कॉस टी, और dx क्या लिखेंगे, dt/4 ये लिख दिए हैं। अब dt/4 जो है ये तो बाहर आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1/4। अब कॉस टी का क्या होता है, जब कॉस एक्स का होता है dx, कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का जब होता है साइन एक्स, ये तो पता है ना, तो यहाँ पे कॉस टी का क्या हो जाएगा, 1/4 कॉस टी को हो जाएगा साइन टी, ठीक है ना। और साइन टी के जब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 × sin, और टी को क्या माने थे हम लोग, 4x + 10, तो 4x + 10। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये हमारा चीज आया, वही चीज़ें देखो हम यहाँ किए थे, साइन 4x + 10 × 1/4 किए थे ना, ये 1/4 यहाँ पे होगा, 1/4 है ना, 1/4 किया था यहाँ पर, और वही 1/4 × 1/2 यहाँ पे गुना कर दिए थे, 1/2 को बाहर आता है यहाँ पे, 1/2 × 1/2 × 1/2 तो 8 हो जाता है। मेरा मेन फोकस है कि इस चीज़ का, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इतना होता है। देखो यहाँ ले आए ना हम लोग, अब ध्यान दो यहाँ पर, अब ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि सर क्या बार बार हमको टी मानना पड़ेगा क्या, तो बार बार ऐसे क्वेश्चन में अब टी हम लोग नहीं मानेंगे, क्या करेंगे हम लोग, एक सिंपल सा नियम क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक सिंपल स्टूडेंट क्या होता है हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो अगर है साइन ax + b के टर्म में, अगर ऐसा है तो इसका हो जाएगा आपका साइन एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स यानी कि यहाँ पे ax + b, और जो एक्स के साथ जो कोफिशियंट लगा हुआ है ना वो आपका नीचे बाई में आ जाएगा सीधा, यानी कि यहाँ यहीं पे लिख दो आप 1/a, ये हो गया। अगर मान लो रहे आपका इंटीग्रेशन कॉस px + b, तो कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स यहाँ कर दिया प्लस साइन एक्स, एक्स यानी क्या px + b, और एक्स के साथ एंगल के साथ जो कोफिशियंट लगा हुआ है वो आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1/p के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर मान लो कुछ ऐसा रहे क्वेश्चन कि सर ऐसा मान लो क्वेश्चन रहे कॉस b - ax, ऐसा तो हो सकता है ना कि एक्स का टर्म इधर रहे, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है एक्स का टर्म यहाँ पे रहे, तो वहाँ भी सेम चीज़ हो जाएगा, कॉस का क्या होता है साइन एक्स यानी b - ax हो गया। अब एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, ए है, ए नहीं है माइनस ए है ना, यहाँ नीचे आ जाएगा आपका -1/a, यानी 1/-a ऊपर नीचे आएगा तो माइनस ऊपर या नीचे एक ही बात होता है, तो ये आपका हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये नया चीज़ था इसके लिए यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्या किए थे कि स्क्वायर को हटाना था, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा हम लोग को पैंतरा करना पड़ा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ इंटीग्रेशन sin 3x × cos 4x dx, ये आसान था। अगर मान लो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा रहता sin 3x + cos 4x रहता मान लो यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं और काम कर देते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो किस तरह हमको इसको करना है, इस तरह से कि प्लस या माइनस यहाँ पे मतलब क्या आ जाए, ये टूट जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल का हम लोग कुछ पढ़े नहीं है अभी तक, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला वाला वीडियो में हम बताए थे आपको कि कुछ कुछ आपको यहाँ पे फॉर्मूला का खुशबू आ रहा होगा, ठीक है ना, क्या आ रहा होगा यहाँ पर, जैसे फॉर्मूला जानते हैं, चलिए अगले पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे हम कि 2 sin a × cos b, अगर ऐसा हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर sin a + b + sin a - b, क्योंकि साइन साइन में क्या है, साइन अच्छा आदमी है, साइन साइन जब साथ होगा तो अपने तो चलेगा चलेगा, जो खराब आदमी कॉस है उसको भी साथ में लेके चलेगा, ठीक है ना, ये खराब आदमी अच्छा आदमी क्या बोल रहे हैं सर,
जानने के लिए देखिए फॉर्मूला वाला वीडियो जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके चलिए, ये ट्रिक था हमारा। चलो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको इस फॉर्मूला में बना लो। टू नहीं ना यहाँ पे, तो टू एक्स्ट्रा अपने से हम लोग दे सकते हैं। चलिए टू देते हैं अपने से हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू से गुना कर दिए हैं, टू से डिवाइड कर दिए हैं और लिख दिए यहाँ पे हम लोग साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ये हो गया। आगे करेंगे हम लोग, ये 1/2 को बाहर कर दो। अब 2 साइन a इंटू कॉस भी हो गया ना, तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी 3x प्लस 4x। ए प्लस ए यानी यहाँ वाला, b यानी यहाँ वाला, a यानी ये वाला, ये b यानी सॉरी ये वाला, ठीक है ना। 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x लिख दिए। प्लस साइन a माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस 4x। 3x माइनस 4x कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। अब ये बड़ा बराबर यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे हो गया dx। ओके, अब जानते हो इसको क्या लिखेंगे हम लोग। आप पढ़े हो कि साइन अंदर माइनस एक्स होता है तो बाहर क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये होता है, कोसेक के साथ भी सेम होता है, टेन के साथ भी सेम होता है। स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पे कॉस के साथ जब भी मान लो आए यहाँ पर कॉस माइनस एक्स, तो ये आपका होगा सिंपल सिर्फ कॉस एक्स, या फिर सेक, इसका जो रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक माइनस एक्स जब आता है मान लो, ये सिंपल पॉजिटिव रहता है सेक एक्स, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव क्यों होता है, ये पॉजिटिव क्यों होता है, ये पॉजिटिव क्यों होता है, अगर ये जानना है तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आपको। ओके चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस, ये माइनस हो जाएगा ना अभी बताएं जो, तो एक काम करते हैं माइनस देते हैं, माइनस साइन एक्स और ये आपका हो गया dx। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो अलग टाइम आ गया ना जो बताए थे भी, किस तरह ऐसा ऐसा हो जाए तो अलग अलग कर देते हैं हम लोग। अब तो कर सकते हो अलग अलग ना, क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये आपका आया हुआ, अलग अलग कर दो। यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2, इसके साथ गुना होगा तो यहाँ भी कर देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर बताइए, 1/2 तो 1/2 हो गया, साइन का क्या होता है बताओ। हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, ताकि हम बुड़बक हैं इसीलिए, नहीं क्योंकि आपको समय में आते रहे इसीलिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर बुड़बक हैं इसलिए लिख दे रहे हैं। साइन का क्या होता है, आंसर में कॉस आ रहा है तो नेगेटिव जाएगा यहाँ पे, ये भी ट्रिक बताए हुए आपको हम। आंसर में सी आता है इंटीग्रेशन, तो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 7x, ठीक है ना, माइनस के साथ। और देखो ये 7 है ना, ये 7x है, तो यहाँ पे एक्स के साथ जो कोफिशियंट है वो बाय में होता था ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/7। इधर आगे कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स के साथ कोफिशियंट यहाँ पे 7 लगा हुआ है तो 1/7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे 1/2 sin x क्या होता है जी, माइनस कॉस एक्स, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस कर जाएगा। और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट तो लगाना लगाने लगाना है, पिछला क्वेश्चन में सारे कॉन्स्टेंट नहीं लगाए थे, ध्यान दीजिएगा उसमें, पहले लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यानी ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सीधा सीधी माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी, और ये आपका हो गया सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए सुन, यहाँ देखिए अभी इस क्वेश्चन में हम लोग को दो प्रोडक्ट मिला था, एक ये वाला साइन वाला कॉस वाला, इसको भगाने पाएंगे। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा नया आ गया, तीन ठो वाला आ गया, 1 2 3 नया पेचीदा यहाँ पर है। अब इसको कैसे करेंगे मतलब बताइए, कुछ नहीं करना है, बस जैसा काम यहाँ पे किए ना वही काम को यहाँ भी करना है, ठीक है। और दो के साथ कर सकते हैं ना, दो फॉर्मूला जानते हैं ना जी, 2cos A × cos B वाला, इसको हटा देंगे, साइड कर देंगे इसको अभी, इसको बाद में काम करेंगे इससे लेके। तो करते हैं पहले इसको बनाते हैं फॉर्मूला में हम लोग। फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे 2cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x हो गया। 2 से जब गुना किए हो तो 2 से भागा भी करना पड़ेगा, तो 2 से भागा करते हैं तो 2 यहाँ लिखो या यहाँ लिख देते हैं 1/2 बाहर में, कोई दिक्कत किसी को, बोलो बोलो बोलते क्यों नहीं है, बोलो दिक्कत है क्या किसी को, ऐसा कैसे बोलेंगे सर अभी तो लाइव नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब 2cos × cos B वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अब देखो यहाँ पर बाबू हम बोले फॉर्मूला पर जाके देखो आप लोग, 2cos A × cos B, 2cos A × cos B वाला फॉर्मूला क्या होता है, जब कॉस कॉस साथ में है, खराब खराब आदमी जब साथ में है तो अच्छा आदमी को भटकने नहीं देगा साथ में यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। इसी को लेकर चलते हैं पहले, वैसे देखो 4 2 6 होता है, ये 6 होता है अलग अलग है, इसको इसको लेकर चलेंगे साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें यूज करेंगे हम लोग, तो कर दो यूज यहाँ पर 1/2 बाहर में, इसके लिए क्या लिखेंगे मिला के,
कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 2x+4x 6x, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी 2x-4x कितना हो जाएगा, -2x, ठीक है। और ये कॉस 6x यहाँ पे है, इन दोनों के साथ गुना, दोनों साथ हो जाएगा ना बाबू, कॉस 6x यहाँ पे dx, ये हो गया। अब देखो ये तो पता है ना आपको, तुरंत बताए थे अभी कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका, प्लस कॉस थीटा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि माइनस को ये खा जाता है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 कॉस 6x प्लस कॉस 2x, ये हो गया, इंटू हो गया कॉस 6x dx, ये हो गया। घबराना नहीं है, इसको क्या करेंगे अब, गुना कर दो इसको, कहाँ छोड़ दोगे इसको, अकेला आदमी को यहाँ, बेचारा आदमी, गुना करेंगे इसको, तो ये गुना इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 6x प्लस इससे गुना होगा, ये होगा तो कॉस क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx हो जाता है, ये वाला होता ना। अब जब अलग अलग करेंगे मान लो इसको, तो एक काम करो ना, यहीं पे अलग करते हैं, ये गुना इसके साथ भी है, ये गुना इसके साथ भी मान लो है, तो 1/2 यहाँ लिख के यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे दे दिए हम। देखो वही चीज़ है, ये गुना इसके साथ हुआ तो स्क्वायर हो गया, 1/2 गुना हो जाएगा, फिर ये गुना इसके साथ होगा तो 1/2 इससे भी लगेगा यहाँ पर, तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। अब देखो कहानी यहाँ ये है कि सर देखो यहाँ पे ये भी फिर वही फॉर्मूला में आ गया, 2cos × cos भी वाला फॉर्मूला में बना लेंगे इसको ना, और ये देखो स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आ रहा है यहाँ पर। जो पहला क्वेश्चन हमारा था साइन स्क्वायर मीटर के टर्म में, वहाँ हम उसको चेंज स्क्वायर को हटाए थे ना, पहला क्वेश्चन याद कीजिए, और अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर के टर्म में आया हुआ है, तो कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे हमका स्क्वायर हट जाए, क्योंकि हमको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मालूम होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, तो कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये हट जाए, मतलब स्क्वायर हट जाए, कॉस नहीं हट जाए, स्क्वायर हट जाए। ओके, बाकी फिर जो आएगा वो देखना पड़ेगा, तो अभी जस्ट हम क्या बताए हैं, पर इसको कर लेते हैं। अच्छा इसका भी क्या होता है बताओ, इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि फॉर्मूला बड़ी ध्यान से देखिए, देखो यहाँ लिखते हैं हम, दिख रहा है आपको, क्या बोले थे हम कि सर साइन स्क्वायर एक्स जब होता है तो होगा 1-cos 2x/2। ओके, क्योंकि ये इसका गोतिया नहीं है, और कॉस स्क्वायर एक्स जब होगा तो यहाँ 1+ होगा ना, 1+cos 2x/2, ये देखो यहाँ कॉस स्क्वायर का टर्म है, यहाँ कॉस स्क्वायर का टर्म है, इसके यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये 2 जो यहाँ पे भागा में, अगर 2 यहाँ गुना कर दें हम, 2 अगर यहाँ गुना कर दें हम, चाहे इसके जगह पे देखो, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं, चलो देखो यहाँ पर इसके जगह पे देखो क्या लिखते हैं, 1+cos 2x, और एक्स यहाँ पे क्या है, 6x है ना, 2x ये हो गया, बाय क्या, बाय 2 लिख दिए बाबू, ये dx यहाँ छोड़ो मत, dx यहाँ लिख दिए प्लस। अब यहाँ पे ये हाफ हुआ, और ये फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दो, 2cos 2x × cos 6x, और 2 से गुना करोगे तो 2 से भागा भी करना पड़ेगा ना, 2 से भागा भी करती है, यहाँ तो सेम आ गया आप लोगों को, क्या कि एकदम कहीं पे हाथ गंदा नहीं करना है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो आराम से ऑटोमेटिक बनेगा। ओके चलिए अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है, सो कभी ब्लू कभी ब्लैक, देखते हैं क्या क्या होता है। 1/2, 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 इसको अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग तोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 × dx, dx ये हो गया, प्लस फिर ये 1/4 होगा, 1/4 क्या हो जाएगा, कॉस कितना, 6×12x dx, इसका कर लोगे अलग से ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे sin 12x/12 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ sin 12x/12 हो जाएगा, और 1/4 तो बाहर रहवे करेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 और 2cos A × cos B क्या होगा, cos A+B × cos A-B, बताए थे भी ना, तो cos A+B यानी कि 6 2x+6x 8x हो जाएगा, प्लस cos A-B, A-B यानी कितना, 2x-6x यानी cos-4x, क्या दिक्कत है, -4x है फिर भी क्या पॉजिटिव ही देगा ना, ये हो जाएगा cos 4x dx, सही में आया। आप पूरा सब खोल देना, इसका अलग कर देना, इसका अलग कर देना, इसका अलग कर देना, और फिर इसका अलग कर देना, और करके हमको कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर है कि गाड़ी में चक्का, चक्के के अंदर ट्यूब, साइन स्क्वायर तो बन ही रहा था, आ गया यहाँ पे साइन क्यूब, ये क्या बोलती है सर,
यहाँ ये बोल दिए कि बाबू हम लोगों को भी सिर्फ सीखे थे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर जब क्वेश्चन में आया साइन स्क्वायर जब आया था यहाँ पर इस तरह से, तो इसको हम लोग हटा दिए थे। क्या हटाए थे? किसी तरह से स्क्वायर यहाँ पे हटा के हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ तो ठीक था क्वेश्चन वन, याद करो। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्यूब आ गया है, ये तो औरों ने बनेगा रे, तो क्या करना पड़ेगा हमको, किसी तरह से भी यहाँ पे हमको क्यूब को हटाना पड़ेगा, क्यूब को हटाना पड़ेगा। तो क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा सर पता नहीं है। तो चलो हम है ना फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, हमको मालूम था, आप लोग के पूरा भरोसा था, जानते हैं कि 4 sin³θ होता है इक्वल टू 3 sin θ माइनस sin³θ, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 को इधर ले आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin³θ इक्वल टू 3 sin θ माइनस sin³θ बाय 4, ये होता है ना। हाँ ठिका लिए हम तो फॉर्मूला लिखे भी करेंगे ना, कौन लिखेगा, नहीं लिखेंगे तो वैसे लोग ना, क्लास बंद हो गया है। अब देखो यहाँ पर ये वीडियो जब मान लो आज से 10 साल के बाद कोई देखेगा या 5 साल के बाद, और भगवान करे उसमें ऐसा कुछ नहीं हो लॉकडाउन का, तो बोलेंगे सर लॉकडाउन होता क्या था, लोग सोचेंगे कि लॉकडाउन क्या होता था, ये किस सब्जी का नाम है लॉकडाउन, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला बना लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके जगह पे, क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इसको बनाते हैं, यानी इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग 1/4 3 sin θ, 3 sin θ, थीटा यहाँ जो थीटा था वही यहाँ पे लिखे हैं, यही है ना, यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ क्या है 2x+1, तो 2x+1 माइनस sin³θ, थीटा यहाँ पे क्या होगा 2x+1, और ये ब्रैकेट दो स्मॉल वाला बीच वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे dx हो गया। ओके चलो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसको भी 1/4 बाहर कर दें, इसको 1/4 बाहर करेंगे हम लोग, आगे करते हैं यहाँ पे 1/4 बाहर ही कर देते हैं, तो 1/4 बाहर हो गया। अच्छा ये 1/4 दोनों के लिए, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज को, 1/4 यहाँ पे बाहर किए हैं, तो ये हो गया। ये 3 को भी बाहर कर दो यहाँ पर, 3 क्या करेगा, 3 बाहर कर दो, 3 बाहर कर दिया यहाँ पे हम, तो हो जाएगा sin²x+1 dx माइनस, अब देखो 1/4 इसके लिए भी था ना, तो 1/4 यहाँ पे बाहर आ गया। अच्छा ये साइन, ये तो एंगल पूरा है, इसमें काम कर देते हैं हम लोग, यानी हो जाएगा sin 6x+3 dx। ओके अब सिंपल सॉल्व कर लो, यहाँ पे 3/4 का 3/4 हुआ, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स, cos²x+1, और ये 2 के साथ जो कोफिशियंट है ये नीचे 1/2 होगा ना, 1/2 नीचे में, और माइनस यहाँ पर 1/4 साइन का होता है यहाँ पे फिर से कॉस एक्स, माइनस के साथ माइनस साइन होगा ना, तो माइनस साइन यहाँ लिखेंगे, मान लो यहाँ माइनस साइन अगर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, यहाँ प्लस लिख दिए हैं, लिखें cos 6x+3, और जो यहाँ पे 6 है साथ में लगा हुआ है ये गुना 1/6 होगा ना, तो यहाँ जगह कम पड़ रहा है, काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं 1/6, और प्लस सी तो होना ही होना है, यानी ये हो गया आपका कुल मिला के -3/8 cos²x+1 प्लस 6 चक 24, 1/24 cos 6x+3 प्लस सी, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके या फिर काम यहाँ भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा चल जाएगा, यहाँ तक भी कर छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर मान लो स्कूल के टीचर अगर आपको बोले कि आंसर मिलाना ही मिलाना है, तो यहाँ देखो एक काम हो सकता था यहाँ पर, 1/24 जो यहाँ पे है ना बाबू, ये कॉस मान लो यहाँ पर आया, ये 3 यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x+1। ओके देखो ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर आपको cos³θ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला होता है cos³θ का, होता है फॉर्मूला देख लो यहाँ पर लिख देते हैं हम, cos³θ इक्वल टू होता है आपका 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ये भी है, चलो इसको भी तुम नोट कर लो, ठीक है ना, cos³θ का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से आप इसको कर सकते, यहाँ डाल के इसकी जगह पे इसको डाल दो, काम यहाँ पे करो, यानी इसको एक्सटेंड कर देना है, इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको एक्सटेंड करना है, इसकी जगह पे आपको ये लिख के काम कर लो आंसर लाने के लिए, ठीक है ना, बाकी यहाँ तक भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन देखकर दिमाग कवड़ गया है फ्यूज, क्योंकि इस बार दोनों पे आ गया है क्यूब, बात सही है, पहले सिर्फ अकेले साइन क्यूब था,
अभी कॉस क्यूब दोनों में आ गया, दोनों में आ गया। लो कर लो बात, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक काम करो, इसको स्क्वायर में तोड़ो या फिर इसको स्क्वायर में तोड़ो, किसी एक को तोड़ो, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको ही तोड़ते हैं स्क्वायर में। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ओके डी एक्स। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर साइन एक्स यहाँ लिखे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग लास्ट वाला फॉर्मूला से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। यहाँ पे हो गया कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ओके। अब करेंगे काम यहाँ पर, अगर हम लोग तो यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x डी एक्स, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सोचो, अब यहाँ पर ये तो कर दिए, अगर साइन एक्स को हम टी मानेंगे मान लो, या कॉस एक्स को टी मानेंगे, ये पावर ज़्यादा यही है ना पावर में, अगर टी मानेंगे इसको, टी वाला काम तो बहुत किए हो ना। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कि अगर मान लो पुट कॉस एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इक्वल टू जाएगा डी टी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जाएगा यहाँ पे डी टी, ये होगा ना। यानी इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो करके काम, एक माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देंगे बाहर हम लोग, तो बाहर जब माइनस लगा ही देंगे तो करते हैं काम यहाँ पर, माइनस लगा दिए बाहर, और ये इसके टर्म पर इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग डी टी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस को टी माने ना, तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी का पावर 5 इंटू इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी लिखेंगे। माइनस जो था माइनस यहाँ कर दिए हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ऐसे इसको पलटा सकते हो, तो पलटा क्या देंगे, माइनस माइनस प्लस ना, तो टी का पावर 5 डी टी और माइनस टी का पावर क्यूब डी टी, ये काम यहाँ पे हम लोग कर दिए। बस सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करना आता है ना, क्या करेंगे सॉल्व, कि सर इसका हो जाएगा टी का पावर 6/6 माइनस टी का पावर 4/4 प्लस यहाँ पर सी, और जहाँ जहाँ जो है उसका मान डाल दो, टी माने थे कॉस ना, तो 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos का पावर 4x प्लस सी, आपका हो गया झलकता हुआ चमकता हुआ प्यारा सा सुंदर सा आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो इस क्वेश्चन, देखो कोई कहानी याद आ गया, कि लाइफ में रहो हमेशा टेंशन फ्री, क्योंकि ये वैसा ही क्वेश्चन था जैसा था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था ना बाबू, वैसा ही है, बस वहां पे कॉस था यहाँ पे साइन है। इस क्वेश्चन में आपको खुद से बनाना होगा, क्या से बना देते हैं ना खुद अपने ही, नहीं बनाएंगे हम। देखो यहाँ पे साइन है, साइन भी है ना, पहले काम करो इसको, इसको काम करो पे, यहाँ पे इस पे काम क्या करेंगे, इसको लगा दो फॉर्मूला वहां पे, 2 sin into sin भी वाला, 2 sin फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा इसको, 2 sin ए इंटू 2 sin ए इंटू साइन यहाँ पर बी। देखो यहाँ पर 2 sin ए इंटू साइन बी जब है, तो पक्का यकीन है कि जब साइन साइन दोनों साथ ही आ गया, मतलब जो खरब कदम यह है ना, उसमें लड़ाई अपने लड़ाई किया होगा हम लोग आपस में। यानी यहाँ हो गया होगा आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये कॉस जो खराब आदमी है ना, आपस में लड़ाई जब किया होगा तो साइन यहाँ पर आ गया होगा, और साइन अकेले जब नहीं आएगा, जब लड़ाई किया बाबू खराब खराब आदमी गया समझाने के लिए उसको, तो नुकसान इसको भी पहुंचेगा, यानी माइनस साइन। ये क्या बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं बाबा बाबू फॉर्मूला वाला वीडियो जाके जरूर देखो, वहां समझ में तुमको आ जाएगा वहां पर। तो माइनस अगर झमेला हटाना है तो काम इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, 2 sin A into sin B इक्वल टू, इसको तुम पहले लिख दो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी माइनस, इसको बाद में लिख दो कॉस ए प्लस बी, यानी कि यहाँ सिंपल है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका यूज करके तुम सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था वैसा तुम लोग बना लेना, ठीक है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे दिख रहा है, साइन इंटू साइन का फॉर्मूला में है, चलो बनाते फॉर्मूला में इसको, 2 से डिवाइड कर दो, 2 sin A into sin B डिवाइड जब किए तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, ओके ना, ये फॉर्मूला बन गया।
अब टू साइन इंटू साइन बी फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं, देखो दिख भी रहा होगा यहाँ पर, टू साइन इंटू साइन में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कर दो काम यहाँ पर तमाम, वन बाई टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी चार एक्स माइनस आठ एक्स माइनस चार एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी, चार एक्स प्लस आठ एक्स कितना होगा बारह एक्स, ये हो गया डी एक्स। ठीक है आगे करेंगे यहाँ पर वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो खा जाएगा माइनस को, अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस पर एक्स लिख सकते हैं इसको, और माइनस ये गुना इसके साथ भी होगा ना, अलग ही अलग कर देते हैं एक स्टेप में, वन बाई टू यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस ट्वेल्व एक्स डी एक्स, कितना आसान हो गया, वन बाई टू, वन बाई टू कॉस का होता है ऐसा साइन एक्स, ठीक है ना, तो साइन एक्स यानी साइन यहाँ फोर एक्स, और चार जो कि गुना में है तो यहाँ हो जाएगा वन बटे चार, ये हो गया माइनस वन बाई टू कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स यानी साइन ट्वेल्व एक्स, और ट्वेल्व यहाँ गुना में है इसके साथ, यहाँ हो जाएगा वन बाई ट्वेल्व, ये हो गया, बस गुना करने से आता ही होगा, चार दुनी आठ हो गया साइन फोर एक्स यहाँ हो गया, एक काम करो ना यहाँ वन बाई टू, अच्छा कॉमन निकलेगा, अच्छा छोड़ो हटाओ, यहाँ पे वन बाई चौबीस हो गया साइन कितना ट्वेल्व एक्स, आप चाहो क्या कर सकते हो, अच्छा प्लस ही तो रहेगा रहेगा, आप चाहो क्या कर सकते हो, आठ और चौबीस में क्या एलसीएम ले सकते हैं, आठ ले सकते हैं एलसीएम, लोग आठ ले लिया एलसीएम, बोले कैसे आंसर नहीं मिला पाए आप, बहुत बच्चा लोग यहाँ पर है ऐसा, फोर एक्स माइनस चौबीस को यहाँ निकाल लिया आठ, कितना बचेगा यहाँ पे तीन बचेगा अंदर में, ये हो जाएगा साइन ट्वेल्व एक्स और प्लस सी आपका कोफिशियंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके ये सॉरी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन तक हम लोग यहाँ पे बना लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा इसलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन जो भी होगा हम लोग करेंगे, और तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके फॉर्मूला वाला वीडियो को बस देखिए नहीं, उसको सीख लीजिए, ठीक है ना, सीख ही लीजिए जाके उसको, ओके तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।